मध्य प्रदेश के विदिशा के पीतल मिल चौराहा स्थित औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार सुबह एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की खबर आई है। आग इतनी भीषण थी कि उसका धुआं 8 से 10 किलोमीटर दूर तक देखा गया। विदिशा केमिकल फैक्ट्री में लगी आग की सूचना के बाद विदिशा, बसौदा, सांची और भोपाल से कई दमकल गाड़ियों और SDRF, होमगार्ड समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और आग बुझाने की कोशिश में जुटा। बता दें कि आग यूनिकल पेस्टिसाइड फैक्ट्री में लगी है। ये फैक्ट्री शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में है। यहाँ बड़ी मात्रा में केमिकल रखा हुआ था जिसके कारण आग तेजी से फैल गई है। जिला प्रशासन JCB से बाउंड्री वॉल को तोड़कर केमिकल से भरे ड्रमों को हटाने में जुटा हुआ है। वहीं विदिशा, बासौदा, सांची, रायसेन की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है। ये विदिशा नगर का पीतल मिल इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर पुराने समय से कुछ इंडस्ट्रीज है ऑलरेडी। रिहायशी इलाका थोड़ा दूर है। आसपास में जो भी बसाहटें हैं उनको सबको भी अलर्ट किया गया है और किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो उसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। अभी तक जो मैंने प्रबंधन से बात की है तो प्रबंधन ने मुझे बताया कि कोई भी फैक्ट्री के अंदर नहीं था और अब तक कोई जनहानि होने की सूचना नहीं। आसपास के जिलों से फायर ब्रिगेड और विशेषकर फोम वाली जो फायर ब्रिगेड होती है बिना रिफाइनरी से, यहाँ स्थानीय स्तर पर जो अडानी ऑयल मिल है उनके पास भी एक फायर ब्रिगेड है फोम वाली, मंडीदीप का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर है, भोपाल में है, तो ये सब जगह से वो जो फायर ब्रिगेड है वो मंगाई गई है और स्थानीय स्तर पर जितनी फायर ब्रिगेड है वो सब भी इस काम में लगी।